देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रीन चिली का अचार है, झटपट से बन जाते हैं एकदम 10 मिनट में। और आइए देखते हैं ये कैसे बने हैं, और इसको बनाना एकदम आसान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। और आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन चिली का अचार, एकदम झटपट से बन जाते हैं। उसके लिए हमने चिली लिए हैं, और इसको हमने वॉश करके कुछ इस तरीके से बीस से कट कर लिए हैं। और उसके साथ हमने लेमन जूस लिए हैं। आगे जो भी डालेंगे आपको दिखाते रहेंगे। हमने गैस पर पैन रख दिया है, पैन हमारे गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। अब इसी के साथ हम ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, और एकदम 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं अचार। देखिए चिली जो है हल्का फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। जो है हमारे हल्का फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। हमने नमक डाल दिए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। और हम इसको ड्राई होने तक का पकाएंगे कि हमारे जो चिल्ली हैं उसमें सॉल्ट और लेमन जूस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे हैं। देखिए पूरा ड्राई हो चुके हैं, और ऑयल छोड़ दिए हैं। इसका मतलब अचार जो है हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। फाइनली हमारे ग्रीन चिली के अचार बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बने हैं, और ये झटपट से बन जाते हैं। कोई टाइम नहीं लेते हैं, 10 से 12 मिनट में बन जाते हैं, और ये बहुत टेस्ट बनते हैं। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, 15 से 15 दिन तक का रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।